हाय एवरीवन दिस इज़ व्रिका आज का टॉपिक है हमारा हमारे ट्राइब असम के बारे में बेसिकली इनके कुछ ट्रेडिशनली क्लाइमेट फ्रेंडली तरीके हैं जिनसे पाइन को कल्टीवेट किया जाता है और इनसे हम क्या लेसन्स ले सकते हैं इस कल्टीवेशन से जो ट्रेडिशनल तरीके से की जाती है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर बिकॉज आई फील टू वी कैन मेक अज डिफ्रेंस चाहे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे कहीं पे भी पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा साथ में बता दूं आज लास्ट दिन है हमारी सेल का मंथ एंड सेल का जहाँ पे आपको ह्यूज डिस्काउंट मिल रहा है फ्लैट फिफ्टी परसेंट प्लस एक्स्ट्रा ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट आप कोड ट्वेंटी स्टडी uh, ट्वेंटी यूज कर सकते हैं साथ में अगेन बता दूँ आज लास्ट डे है इस सेल का तो यहाँ पर आप कोर्सेज देख सकते हैं जो भी स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं जिन पे डिस्काउंट है बाकी जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिखा दिख रहा है उस पर कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हो आसाम का है इसलिए बता दो आसाम के जो स्टूडेंट्स हमको देख रहे हैं अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आसाम पी एस सी एस के ये कोर्सेज हैं जिनको जो अवेलेबल है स्टडी आई के साथ और ये ई एम आई पे अवेलेबल है इनके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं नाउ विल स्टार्ट अ टॉपिक पाइन की कल्टिवेशन की बात हो रही है ये टर्म यहाँ पे यूज हुई है एग्रो फॉरेस्ट्री पहले भी एक लेक्चर में मैंने इसको यूज किया था एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है कि आप एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट प्लांटेशंस को साथ लेके चलेंगे तो उसको एग्रो फॉरेस्ट्री कहेंगे अब पाइनएपल बेस्ड एग्रोफॉरेस्ट्री जो है ट्रेडिशनली तरीके से जो एथनिक हमार ट्राइब है सऊदर्न असम की वो इसको यूज़ करते हैं मतलब पाइन को कल्टीवेट करने के लिए एक यूनिक तरीका एग्रोफॉरेस्ट्री का ये लोग यूज़ करते हैं क्या तरीका और कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको लास्ट में अच्छे से बताऊँगी देखिए पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे मोस्टली जो ट्राइब्स थी ये झूम कल्टीवेशन करती थी राइट झूम कल्टीवेशन पे डिपेंड करती थी तो अब इन्होंने ऑल्टरनेटिव जो है झूम कल्टीवेशन का वो ढूंढ लिया है झूम कल्टीवेशन आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या होता है आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ऑल दो अब देखिए ये जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस इन्होंने ढूंढी है जिसको ये प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें हमको दो तरीके के सल्यूशन मिलते हैं दो तरीके का सोल्यूशन है एक तो जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है हम उसको प्रिवेंट कर पाएंगे दूसरा जो हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है उसको भी हम रोक पाएंगे तो दो बेनिफिट्स हैं इस ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के जो हम आज डिस्कस करेंगे तो बेनिफिट्स मैं आपको पहले बता रही हूँ आपके दिमाग में रहेगा यहाँ पे आप ट्राइबल आर्मी के द्वारा ये ट्वी, ट्वीट भी देख सकते हैं कि हमार ट्राइब जो आसाम की है वो ट्रेडिशनल क्लाइमेट फ्रेंडली पाइनएपल कल्टिवेशन के जो तरीके हैं वो साइंटिस्ट को सिखा रहे हैं उनको भी बता रहे हैं कि देखिए इस तरीके से भी इन्वामेंट का भला हो सकता है और जो साइंटिस्ट हैं साम यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी uh, के सिलचर में वो इस कंक्लूजन पे आए उन्होंने पूरा ये जो ट्रेडिशनल मेथड है इसको स्टडी किया एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को जो हमारे ट्राइब के फार्मर्स यूज़ करते हैं उसको स्टडी किया एंड दे आर लाइक कि ये बहुत सही तरीका है अब हमारे ट्राइबल फार्मर्स जो हैं वो पाइनएपल्स को बहुत आप कह लीजिए बहुत टाइम से एज ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड से इनको कल्टीवेट करते आ रहे हैं और जिस तरीके से कल्टीवेट करते हैं वो बायोडावर्सिटी के लिए बहुत अच्छा है आपसे सवाल मैंने पूछा कि झूम किल्टीवेशन का ये है क्या है झूम क्या इसको दूसरे टर्म में आप बोलते हैं स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन स्लैश एंड बर्न में क्या है या फिर इसको स्वीडन का एग्रीकल्चर भी कहा जाता है इस तरह का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जो इस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में स्पेशली यूज किया जाता है एरिया को पहले क्लियर किया जाता है जहाँ पे आपको कुछ उगाना है कल्टीवेट करना है उसको क्लियर किया जाता है उसको बर्न किया जाता है फिर वहाँ पे प्लांटेशनस की जाती हैं लेकिन ये जो तरीका है इससे सॉइल की फर्टिलिटी क्योंकि आप वहाँ पे आग लगा रहे हैं सॉइल की फ़र्टिलिटी आपकी कम होगी सॉइल इरोजन आने का खतरा ज़्यादा बढ़ेगा और एग्रोनॉमिक प्रोडक्टिविटी भी स्लैश एंड बर्न या झुम जु, कल्टिवेशन जिसको हम बोलते हैं उससे एग्रोनॉमिक प्रोडक्टिविटी भी आपकी कम होगी तो झुम कल्टिवेशन के नुकसान ज़्यादा हैं क्योंकि आप लैंड को लॉन्ग टाइम में अगर देखेंगे तो बैरन छोड़ रहे हैं उसको डिग्रेड कर रहे हैं तो पिक्चर में आप समझ सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी फॉरेस्ट है यहाँ पे इनको क्लियर किया गया कट किया गया फिर इनको जला दिया गया फिर आपने यहाँ पे अपने क्रॉप्स लगाए फिर आपका सेकेंडरी वेजिटेशन हुआ सेकेंडरी फॉरेस्ट आया तो इस तरीके से आपका और ये जो तरीका है ये लैंड के लिए अच्छा नहीं है दिस इज योर झूम कल्टिवेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया या बहुत सारी जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं अब वो एग्रो फॉरेस्ट्री की तरफ जा रही हैं दे आर शिफ्टिंग टू एग्रो फॉरेस्ट्री क्योंकि इसमें हाई वैल्यू क्रॉपिंग सिस्टम्स आपको मिलेंगे झूम प्रैक्टिस जो ट्रेडिशनल थी उसमें इतना फ़ायदा नहीं था रिसर्चर्स भी एग्रो फॉरेस्ट्री को बहुत बूस्ट कर रहे हैं और एक अच्छा ऑप्शन मान रहे हैं कि इससे जो आपका कार्बन कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज है प्लांट्स में वो अच्छा होगा कार्बन की अगर बात करेंगे इन्वामेंट से कार्बन एब्जॉर्बशन भी ज़्यादा होगा ट्री डाइवर्सिटी जो है Uh, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं अपनी सॉल्यूशंस के ज, यानी जिस एरिया में जैसे बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज़ होते हैं जिनमें ज़्यादा क्षमता होती है कार्बन को एब्ज़ॉर्ब करने की कार्बन को एब्ज़ॉर्ब करने की ज़रूरत क्यों है बताइए बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग कर रही है टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रही है अगर हमारे पेड़ कार्बन को एब्ज़ॉर्ब करके रखेंगे कार्बन सिंक का काम करेंगे तो आपका इन्वायरमेंट कूल cool रहेगा ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी तो इस तरह की प्रैक्टिस एग्रो फॉरेस्ट्री में यूज़ की जा रही हैं अब पाइनएप्पल एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स के बारे में हम देखते हैं कि ये क्या है और क्या ट्रेडिशनल मेथड की यहाँ पे बात की जा रही है जो साइंटिस्ट भी जिससे लेसन ले रहे हैं पी एफ़ एस क्या है पाइनएप्पल एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम्स ओके पी का फुल फॉर्म ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और डोमिनेंट है इंडियन ईस्टर्न हिमालज में और एशिया के बाकी पार्ट्स में मल्टीपरप ट्रीज़ को मल्टीपर्पज़ ट्रीज़ को यहाँ पे यूज़ किया जाता है एथनिक हमार ट्राइब जो सदर्न असम की है वो कल्टीवेट कर रही है पाइनएप्पल को सेंचुरीज से पी ए एफ एस सिस्टम यूज़ करके एट प्रेजेंट इंडिजीनियस पी एफ एस सिस्टम ही यूज़ करते हैं पाइनएप्पल uh, जो खुद के कंजम्पशन के लिए लगाते हैं उसके लिए भी और जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए ग्रो किया जाता है उसके लिए भी यहाँ पर इन्होंने पूरा अपना ट्रेडिशनल जो मेथड है उसको यूज़ किया है और यहाँ पे स्टडी ने यही देखा कि इनका ट्रेडिशनल सिस्टम से कार्बन एमिशन कम हो रही है और कार्बन एब्जॉर्ब ज्यादा हो रही है जिससे कम्युनिटी को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है और ये स्टडी का एरिया आप देख सकते हैं आसाम में कि कौन सा एरिया यहाँ पे यूज किया गया है स्पेशली जो आपका काछर डिस्ट्रिक्ट है अब फार्मर्स यहाँ पे किस तरह की अपनी नॉलेज यूज़ कर रहे हैं लॉन्ग टर्म फार्मिंग एक्सपीरियंस यूज़ कर रहे हैं ये ट्रीज़ को बहुत ध्यान से चूज़ करेंगे यानी एक तो आप पाइनएपल को कल्टिवेट कर रहे हैं और जहाँ पे पाइन एप्पल कल्टिवेट किए जा रहे हैं ग्रो किए जा रहे हैं उसके साथ वहाँ पे कुछ ट्रीज़ को ग्रो किया जा रहा है ये कौन से ट्रीज़ हैं इनको बहुत ध्यान से और अपने पुराने लॉन्ग टर्म फार्मिंग एक्सपीरियंस से फार्मर्स चूज़ करते हैं जैसे फ्रूट ट्रीज़ एरेका कैचू मूसा स्पीशीज़ इनको प्लांट किया जाता है फार्म की बाउंड्रीज़ पे लाइव फेंसेस के तौर पे जैसे अगर ये फार्म का एरिया है बीच में आप पाइनएप्पल ग्रो ग्रो कर रहे हैं और यहाँ पे बाउंड्रीज़ पे क्या ग्रो किया जाता है ट्रीज़ को ग्रो किया जाता है लेकिन वो ट्रीज़ बहुत ध्यान से उनके ट्रेडिशनल नॉलेज से वो चुनते हैं और रिसर्च बताती है कि इस प्रैक्टिस को आर ई डी डी प्लस मैकेनिज्म जो है उसके लिए यूज़ किया जाए ये उसके लिए यूज किया जा सकता है ताकि कार्बन को हम ज्यादा कैप्चर कर कर सकें डिफॉरेस्ट्रेशन आपकी कम होगी ट्री कवर इंक्रीज होगा और कार्बन क्रेडिट जो है उनका इंसेंटिव फार्मर्स को यहाँ पे पुअर फार्मर्स को मिल सकता है आर ई डी डी प्लस क्या है रिड्यूसिंग एमिशन फ्राम डीफॉरेस्ट्रेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इसमें प्लस का साइन किसके लिए है यहाँ पे कुछ क्योंकि एडिशनल चीज़ें हैं कि हम फॉरेस्ट को कंजर्व भी करेंगे सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी करेंगे और कार्बन स्टॉक्स को इंक्रीज भी करेंगे हमार ट्राइब अब एग्जैक्टली exactly इस तरीके इस कल्टिवेशन को कैसे कर रही है हमार फार्मर्स जो हैं वो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं पाइनएपल फीड्स को जैसे मैंने आपको बताया जो खेत हैं उनके आगे पीछे ये ट्रीज़ लगा देते हैं ट्रीज़ लगाने का फ़ायदा क्या होगा वो लैंड को प्रोटेक्ट करेंगे सॉइल इरोजन से बचाएंगे एक तो शेड भी मिलेगी आपको छाया भी मिलेगी ट्रीज़ की कैनोपिस के अंदर और ये जो ट्राइबल फार्मर्स हैं नट बनाना ट्रीज़ मेडिसिनल ट्रीज़ हैं कुछ जैसे शीरिश होगा एल्बिजिया लेबेक इनको ग्रो करते हैं इनफैक्ट पाइनएपल्स के साथ साथ पपाया, लेमन्स गावास मैंगोस लिचीज़ एलोंग साइड द पाइनएपल्स मिक्स फार्मिंग आप कह सकते हैं इन चीजों को ग्रो किया जाता है यहाँ पे अलग अलग नाम दे रखे हैं नेटिव फॉरेस्ट के एग्रीकल्चर के कि किन किन ये जो ट्रांजिशन इन ट्रेडिशनल पाइनएप्पल बेस्ड एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम है किस तरह से चेंज हुई है वो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं तो असम के कच्छर को यहाँ पे आप न्यूज़ देख सकते हैं इट सेट्स अ न्यू रिकॉर्ड बाई प्रोड्यूसिंग टू करोड़ पाइनएप्पल कि इतना ज़्यादा पाइनएप्पल इन्होंने प्रोड्यूस किया है और ये जो ट्राइब ये ट्रेडिशनल सिस्टम यूज़ कर रही है इसके बारे में देखिए हमारे ट्राइब जो है इसको महार और मार बोला जाता है ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रहते हैं मेघालय मिजोरम कछर, चिटगोंग हिल ट्रैक्स त्रिपुरा यहाँ पे भी आपको लोग मिलेंगे इस ट्राइब कम्युनिटी के लोग हमारे ट्राइब के रूट्स जो हैं ये कहाँ से uh, ट्रेस करते हैं फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड सिनलुंग विच इज द एंसेस्ट्रल होम ऑफ जोनाथलाक लेकिन ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी थियरी भी है उसके बीच में हम ड्वेल नहीं करेंगे बिकॉज इफ़ दे ट्रेस देयर ओरिजिन फ्रॉम दिस प्लेस बट देन देयर आर क्वेश्चंस कि वो जगह ये छोड़ के क्यों आए जिसको एक बार डेमोक्रेटिक स्टेट कहा जाता था बट एनीवे दिस इज इट अब इनको रिकॉग्निशन मिला है एज वन ऑफ द स्कीड्यूल्ड ट्राइब्स एज पर सिक्स केड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे ट्राइब बिलोंग टू तो चिन कुकी मीजो ग्रुप ऑफ ट्राइब्स एंड दे रिजाइड इन द सदर्न एरिया ऑफ मणिपुर स्टेट स्पेशली इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चुरछा चंदपुर एंड इट्स नेबरिंग रीजन्स तो इन इन लोगों के बारे में लिखा है कि ये ट्राइब कहाँ से बिलोंग करती है चिन कुकी मिजू ग्रुप ऑफ़ ट्राइब्स जो है उस ग्रुप ऑफ़ ट्राइब्स में से आती है और मणिपुर के भी सदर्न एरियाज़ में ये लोग रहते हैं दिस एरिया ऑफ तुथापट्टी एंड माइटी रिवर्स लाइक तुरीरोग एंड तुथापुई also flow through this area so the names are bit difficult to pronounce because local pronunciation, local language dialect के हिसाब से होती है तो ये आपको बताने के लिए है अगर जो लोग नेटिव हमको यहाँ से असम मणिपुर के देख रहे हैं कि ये कहाँ पे ये ट्राइब ये कम्यूनिटी रहती है और बाकी लोगों के लिए भी कि जोग्रफ़िक लोकेशन इनकी क्या हैं तो आज के टॉपिक में हमने क्या पड़ा जस्ट एक क्रक्स में आपको बता दूं कि हमारे ट्राइब का ट्रेडिशनल एक तरीका है पाइनएप्पल ग्रो करने का साइंटिस्ट क्योंकि पहले नॉर्थ ईस्ट के लोग झूम कल्टिवेशन को ज़्यादा फेवर करते थे लेकिन हमारे ट्राइब साइंटिस्ट को भी सिखा रही है कि अगर आपको क्लाइमेट चेंज को बचाना है कार्बन सिंक को इम्प्रूव करना है तो आप हमारे तरीके से जिस तरह से हम पाइनएप्पल कल्टिवेट करते हैं इसको आप अपने बाकी चीज़ों के भी कल्टीवेशन में ला सकते हैं यानी एग्रो फॉरेस्ट्री को यूज़ कर सकते हैं तो यानी एक फील्ड है जहाँ पे कुछ भी ग्रो किया जाता है पाइनएप्पल जैसे ये लोग कल्टीवेट करते हैं उसके साथ साथ कुछ और फ्रूट्स भी ग्रो करते हैं और बाउंड्रीज़ पे ध्यान से चूज करके ये लोग ट्रीज लगाते हैं और ट्रीज़ के बेनिफिट्स तो आपको पता ही है अगर पूरी बाउंड्री पे ट्रीज़ होंगे शेड मिलेगी कार्बन सिंक इंक्रीज़ होगा बायोडाइवर्सिटी आपकी इंप्रूव होगी ट्री कवर इंप्रूव होगा और आपका सॉइल की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी सॉइल इरोजन से भी आपका लैंड बचेगा तो ये सब बेनिफिट्स हैं इस तरीके के जिसको बाकी चीज़ों में भी हम कल्टिवेशन में यूज कर सकते हैं सो दिस इज इट अबाउट टूडेज लेक्चर आपके लिए क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलिंग रीजनज इन ओरिजिनल हैबिटेट ऑफ द तोड़ा ट्राइब खासी हिल्स गढ़वाल हिल्स नीलगिरी हिल्स कुमाऊं हिल्स आप मुझे इसमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में राइट right आंसर क्या देखिए जो भी नॉर्थ ईस्टर्न की प्रोनान्सीशंस हैं तो आई एम रियली सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग एनीथिंग रॉन्ग बिकॉज लोकल प्रोनासीशन हमेशा अलग रहती हैं uh, बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए वहाँ पर पी डी एफ भी मिलेगा और आपको पोल पे आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए थैंक यू सो मच